अभी हम लोग सर्पासन करेंगे। सर्पासन के लिए कंप्लीटली रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, अपने आर्म्स को स्ट्रेच करें, अपने शोल्डर से लेकर के और अपने फिंगर्स तक पूरा स्ट्रेच। धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को उठाएं ऊपर की ओर, अपने नेवल तक होल्ड करेंगे। 1, 2, 3 और ऊपर आए, अपने नेवल तक आए, अपने चेस्ट को पेट तक पूरा, अपने कमर पर तभी हमारे जोर आएगा। 10 down, रिलैक्स, आराम से फ्री छोड़ दें अपनी बॉडी को, हाथों को पीठ को पूरा फ्री। इनहेल एक्सहेल। गुड मॉर्निंग, तो दिन की शुरुआत हो गई, इस तरीके से हुआ योगा। आज मैंने बताया आपको सर्पासन के बारे में, तो सर्पासन भी बहुत अच्छा है हमारी पीठ के लिए, हमारी बैक के लिए। तो अगर आपको कोई भी परेशानी है बैक से रिलेटेड तो आप सर्पासन जरूर कर सकते हैं। अभी टाइम है आदू की क्लास कराने का, तो आदू की क्लास को ख़त्म करते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे कुरुक्षेत्र के लिए, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर यहाँ से, तो 4-5 घंटे लगने चाहिए पहुँचने के लिए। आदु, आपकी क्लास हो गई? हाँ। क्या सीखा आज आपने? क्या सीखा? के। तो हो गई आदु की क्लास, और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत तेज हो रही है। बस अभी हम लोग लंच करेंगे, वेज बिरयानी, और फिर निकलते हैं यहाँ से। कोरोना आज रेडी है हम लोग। अब बज रहा है 1:45, यानी कि 2:45 बज रहा है। निकल रहे हैं यहाँ से कुरुक्षेत्र के लिए। और आद्विक कैसा मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा। कुरुक्षेत्र शहर का नाम राजा कुरु के नाम पे पड़ा, जो पांडव और कौरवों के पूर्वज थे। तो अभी हम लोग यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल उस पे चढ़ जाएंगे। कुरुक्षेत्र एक बहुत ही पावन भूमि मानी गई है। राजा कुरु ने ये जगह अध्यात्म में जुड़ने के लिए चुनी, और भगवान विष्णु ने उनके धार्मिक कार्यों से प्रसन्न होकर उनको 2 वरदान दिए। पहला, कि ये धरती हमेशा पावन मानी जाएगी और उनके नाम से जानी जाएगी, और दूसरा, यहाँ पे जिसकी भी मृत्यु होगी स्वर्ग को प्राप्त करेगा। ये भी एक वजह मानी गई है जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को महाभारत के युद्ध के लिए चुना। तो रास्ते में थोड़ा सा चाय के लिए रुक रहे हैं हम लोग एक ढाबे पर। 30 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है। तो आ गई अब हमारी चाय, पीते हैं चाय और फिर निकलेंगे यहाँ से आगे कुरुक्षेत्र के लिए, जो कि अभी 40-50 किलोमीटर बचा है, 30 किलोमीटर। ये आ गए हम लोग कुरुक्षेत्र। किधर चलना है अभी यहाँ से? राइट, उस तरफ। ओपी जिंदल चौक है ये। तो आ गए हैं हम लोग, अभी पार्किंग में थे और पार्किंग से निकल करके सीधे लेफ्ट, और लेफ्ट से सीधे लॉबी में, होटल की लॉबी पहुंच रहे हैं। कितना बज गया? टाइम है 6:00, तो लगभग 4 घंटे लगे हम लोगों को आने में। नॉट बैड है ना, अच्छा था। ट्रैफिक भी नहीं था, इट वाज वेरी स्मूथ। ट्रैफिक नहीं था, मजेदार ड्राइव रही। ग्रीन पहुंच गए, ग्रीन। और बारिश थोड़ी सी मिली थी दिल्ली से जैसे जैसे बाहर आ रहे थे, पर अभी ठीक है। ये आ गए हम लोग लॉबी में। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? रूम में? स्विमिंग पूल नहीं है, है ना? क्यों, स्विमिंग पूल है? कमरा भी
तो ये है हम लोगों का कमरा यहाँ पे, क्लार्क्स इन, क्वीन बेड, और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ से। वाह, पूरा कुरुक्षेत्र शहर इस तरफ दिखता हुआ। आदु को बहुत मजा आ रहा है, कैसा? चलो घूमी घूमी चले। हम लोग जा रहे हैं मंदिर। ये देखो कैसे बना, देखा अग्रसेन। और कुरुक्षेत्र के जो ब्रह्म सरोवर है, जहाँ पर माना जाता है कि महाभारत का युद्ध यही कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो हम लोग उस पावन धरती पर हैं जहाँ पर महाभारत जैसा युद्ध लड़ा गया। ब्रह्म सरोवर, जो कि एक सरोवर है, एक लेक है, उसके बीच में बना हुआ है। तो चलते हैं, वो देखते हैं, और सनसेट बहुत ही सुंदर, वो देखिए। पहुंचाए हम लोग ब्रह्म सरोवर। यह है शिव जी का मंदिर मेरे पीछे, ब्रह्म सरोवर लेक में बना हुआ है शिव जी का मंदिर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पीसफुल है, अच्छा भजन चल रहा है, हवा है हल्की हल्की, अच्छा लग रहा है बहुत। काफी अच्छा लग रहा है हम लोग को यहाँ पर। शाम का वक्त है और मौसम बहुत बढ़िया है, हवा चल रही है, मजा आ रहा है। जय हर हर महादेव, जय शिव शंकर। काफ़ी पुराने पेड़ हैं यहाँ पर, बहुत सारे मंदिर हैं इस सरोवर के आसपास। तो ये अर्जुन का रथ है जिसपे कृष्ण सारथी हैं, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर आसमान का रंग, और पूरे ब्रह्म सरोवर में इस वक्त बहुत ही सुंदर दृश्य। वाह, कोई सबसे अच्छा है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई पीपो पीपो नहीं है, सिर्फ बहुत ही अच्छी आवाज आ रही है पक्षियों की। कहाँ जा रहे हो आद्वेक? मजा आ रहा है? किसके अंदर? मंदिर के अंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया दृश्य है यहाँ से, बहुत ही अच्छे नज़ारे। शाम हो गई है, हवा चल रही है, और जो पानी है उसकी जो हवा आ रही है, वाह, बहुत ही ज़्यादा शीतलता। और पूरे ब्रह्म सरोवर में अभी लाइट जल चुकी हैं, मंदिर के जो नज़ारे हैं बहुत ही सुंदर, बहुत।
तो आ गए वापस और ब्रह्म सरोवर की जो आरती है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं वापस होटल की तरफ या कुछ खाने के लिए देखते हैं, क्योंकि 7:45 हो रहा है। सो इट्स 7:45, सो लेट्स गो एंड हैव सम फूड। तो आ गए वापस, अब हम लोग खाना खाएंगे यहाँ पर, डिनर करते हैं क्लास में।